कम। आप मुझसे बात ही मत कीजिए। क्या मैं टेररिस्ट हूँ, नक्सलाइट हूँ या कैदी हूँ? व्हाट हैपेंड? तुम भूल गई हो, तुम सीएम की बेटी हो। किसने कहा कि तुम कैदी हो? आप। नहीं नहीं, ए इम्पॉसिबल। तो फिर आपकी पुलिस मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों ले आई? ओ देखो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम नहीं दिखी तो मैं घबरा गया और मोबाइल भी ऑफ था। तो इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों भेजा? बेटी के प्यार में पुलिस प्रोटेक्शन? अगर आप मुझ पर इतने रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे ना, तो मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। ओ नो 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 नो, अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके डैडी, राजनीति में रहकर आपको आश्वासन देने की आदत होगी, पर मुझे मत दीजिए। सर। सर, मैडम को आप जान से ज्यादा मानते हैं। एक दिन जब वो शादी करके चली जाएगी, तब कैसे रहेंगे? मेरी बेटी जिससे भी शादी करेगी, वो घर जवाई बन के रहेगा क्या? यानी कि लड़के के माँ बाप होते हुए भी वो अनाथ होगा? माँ बाप तो सबके होते हैं, लेकिन सीएम जैसा ससुर मिलना बहुत मुश्किल है। समस्त कन्नड़ वासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कालिया किधर है? कई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। कैसा है कालिया? पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ए, खाने के लिए क्या है? ये लो, ये भी आ गया बकासुर की औलाद। उस्ताद जी, इंसान के खाने में जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हैं। वो सब प्लेट में डालकर लेके आओ। दाल चावल मेदू बड़ा सब कुछ इसमें है। ये ले, तेरे लिए घड़ा भर के पानी लाया हूं। उस्ताद जी, उस्ताद जी, जो आपने अभी सब स्वाहा किया है, उसका मैं बिल बना के लाऊं क्या? आधी पकी हुई इडली, जली हुई पूरी, बासी चावल, बासी वड़े, इन सब का मुझे पैसा देना पड़ेगा। आप जो खा रहे थे तो मालूम नहीं पड़ा क्या? पाय धोनी के, क्राफर्ड मार्केट के, सोलापुर के, कोल्हापुर के, इन सारी जगहों के दादाओं का मैं दादा हूँ। बोल, किससे मरेगा? पैसा मांगेगा मेरे से? hey! मेरी बात भी सुन लो, पाय धुनी के, क्राफर्ट मार्केट के, छोलापुर के, कोल्हापुर का, इन सभी जगहों का तू दादा होगा, लेकिन हमारे गुरु का नाम सुनेगा ना तो तू डगा 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 हिलने लगेगा और हवा निकल जाएगी। कौन है रे वो? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये लो अपने पैसे भाई। Yeah!
अरे यार, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। क्या कर रहा है ये? घर आने का टाइम है? अब्बा, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। वो अपने राजू की माँ बहुत सीरियस है। पैसे के लिए वो मार्केट में घूम रहा था और पैसे का इंतजाम ही नहीं हुआ। वहाँ स्ट्रीट फाइट हो रही थी, उसमें जीतने वाले के लिए 20,000 का इनाम था। बस इसलिए इसलिए आप जाकर पूरा कराए। दुखता तो अपनों का ही दिल है ना। आज के दिन आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। आज के बाद आपका समय अच्छा जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पंडित ने कहा है आप पर राजयोग आने वाला है और ये बात सच है। समझ में आया? अब स्कूल तो तुम्हें मैं ही लेके जाऊंगा। रुको, मुझे बचाओ नानी। नानी, मेरे हाथों से आपका बेटा सुधरने वाला नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। तुझे बाद में बताता हूँ। तुम्हें मालूम है ना, मैं उसके साथ बात नहीं करने वाली हूँ। आपका खाना बड़ा है या हम सब की हंसी? बलराज, ये भी आप ही की तरह है, किसी और का दुख दर्द देख नहीं सकता, खुद रोने लगता है, अपने आप की परवाह नहीं करता और किसी के एहसानों तले जीना नहीं चाहता। दूसरों के लिए जान देने पर उतर आता है। मुझे माफ कर देना। सोने नहीं दोगे क्या? गुरु, राजू आया है। कैसा है रे राजू, माँ कैसी है? दुख के समय भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे लिए तुम ही भगवान हो और तुम ही ने मेरी माँ को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ऐसा आज से राजू तुम्हारा एहसानमंद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। परिवार में माँ का कोई मोल नहीं होता। माँ की अच्छी तरह से देखभाल करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
एक छोटे से काम के लिए तुम्हें इतना दिन चाहिए? ओ डैड, डू यू नो व्हाट हैपेंड? व्हाट? व्हाट हैपेंड? नथिंग. क्या हुआ? नथिंग. अरे टेल मी. नथिंग. यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ. पीने के लिए पानी है क्या? फिल्टर किया हुआ शुद्ध पानी. कितना दाम है? 12 रुपया. इसका? उसका पैसा नहीं है सर. हाँ, इसमें पिया तो पैसा देना पड़ेगा सर. और इसमें पिया तो नहीं देना सर. है. वाह, तुम्हारे बात में दम है. सही बात है. इसमें पिया तो पैसा नहीं देना है. 100% नहीं है सर. हाँ, तो तुम एक काम करो, इस बोतल का पानी इस जग में डाल दो. इस जग में डाल दो. ग्राहकों को खुश करना हमारा परम धर्म है. वाह, क्या सोच है. अमृत है, अमृत जैसा है. शांति मिल गई ना. धन्यवाद. सर जी, बुलाया है? आपने जो पानी पिया वो बोतल का पानी है, उसके पैसे दीजिए. आपकी बात का जवाब नहीं. क्यों नहीं सर? आपने तो कहा था कि इसमें पियो तो पैसा देना पड़ेगा. और इसमें पियो तो पैसा नहीं देना. हाँ. है. आपने अमृत जैसा पानी बोतल से. हाँ. जग में डाल कर दिया और मैंने उस अमृत जैसे जल को पी लिया. हाँ. तो फिर कैसा पैसा आपका? धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच. हाँ. है. Thank you. Happy Independence Thank you, Day. Betty. Thanks. Happy Thank Independence you. Day. Happy Independence Day, Auntie. Thank you. Oh, thank you. Hey, Ruko! Hi. क्या हुआ गुड्डी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अरे वो तो पहले से ही परेशान है. ऊपर से आप. many happy returns of the day, Guru. Hi. अरे ये किस बात की पार्टी मांग रहे हो? इनका आज बर्थडे है. अच्छा ठीक है, ब्लड देने के बाद पार्टी मैं ही देती हूँ. Are you sure? हाँ, आज हम लोगों को पार्टी चाहिए. ओके बाय. ब्लड देने से पहले ब्रेकफास्ट किया है ना? अरे वाह, किसी ने तो पूछा. अभी ब्लड तो निकालो. आप जैसे यंगस्टर्स को देखकर बहुत खुशी होती है. तो क्या आप ओल्ड हैं? देखो अपना ख्याल रखो और हाथ मलते रहो, और अगर दर्द हो तो मुझे बताना. हो गया ठीक है? या हेलो गुरु भाई, many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय बॉय. थैंक यू डॉक्टर. सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? इस इलाके में इन्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं. और डिटेल चाहिए तो इन लोगों से पूछ लीजिए. मैं चलूं. थैंक यू. वो फ्रूट्स की टोकरी देंगे आप? ये सब क्या है? मैं अपना बर्थडे पेशेंट के साथ सेलिब्रेट करता हूं. ये सब उन्हीं के लिए. तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ये आपके लिए. हाँ सुनो, अगले सप्ताह अधिवेशन है. Dad! और ऐसे टाइम में तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा?
विरोधी पक्ष का मैं कैसे मुंह बंद कर सकता हूँ? आपके लिए तो आपका काम ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। एक मिनट बेटी, विरोधी पक्ष का मैं कैसे मुंह बंद कर सकता हूँ? बोलो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बस अब मैं काम कर रहा हूँ, फोन पर लगे और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं। अरे मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, इस राज्य का सीएम हूँ। इस वक्त तो आप सिर्फ मेरे डैडी हैं। ओके ओके, नाउ योर फादर आपकी सेवा में हाजिर है। डैड पता है आज क्या हुआ? एक हैंडसम लड़का अपना ब्लड देकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे हो। दैट्स वेरी गुड, स्वतंत्र योद्धा जैसी फैमिली से होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम मिले ना तो मेरी तरफ से उसे थैंक्स बोलना, और हाँ हो सके तो उससे मिलना मैं चाहूंगा। लेके आओगी ना तुम? ओके हैं, ऑल राइट बेबी, लेट्स ट्राई फॉर द बेस्ट। या बैठो, मैं फिर मार के आता हूं। नानी नानी, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ शादी हो रही है। अच्छा बताओ, मेरी शादी कब करोगी? चुप कर, बंद करो ऐसा। ये शादी रोक दो, वहाँ बैठकर मुंह क्या देख रहा है? चलो और क्या क्षमा चाहिए तुम्हें, जो होना तो हो गया। ए चलो लेकर आओ उसको। चलो भागो, निकलो यहां से, चलो चलो यहां से, चल इधर ये लो, चल भागो, बाहर निकलो, भागो भागो, जाने दो, चलो जल्दी भागो, भागो, अरे निकलो यहां से, अरे कहां जा रहे हो? चलो भागो, भागो तो, अरे भागो जल्दी, अरे भागो जल्दी, भागो भागो जल्दी, भागो जान बचा लीजिए, भागो भागो हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें। ए हटो इधर से, हट हट, बजवट बजवट बजवट। भाई यह एक अनजान आदमी हम सबको बहुत बुरी तरह मार रहा है। एक गुलाब का फूल रेडी करो, फिर दिखाता हूँ ये गुलाबी गोपाल क्या चीज है। गली कुचे में हो गया, पार्क में हो गया, अब मंदिर में भी शुरू हो गया। क्या अंकल, यहाँ क्या हुआ है? आप इनके बारे में क्या जानते हैं? चार सफेद बाल और एक छड़ी होने से आप बुद्धिमान नहीं हो जाते। जाइए अपना काम कीजिए। जो तुम इतना बोल रही हो उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है? तुम कौन हो? मैं अनीता हूँ, ये भूपति मतलब गुरु, और ये गुरु मेरा भावी पति है।
समझे? भूपति, तुम्हारा भावी पति? ये सब क्या है? भाई आप हैं? आपने इन सबको मार के बहुत अच्छा किया, यानी कि आपने धर्म का मुक्का मारा है। ए, 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 गुरु भाई के हाथ से तूने मार खाया, तुम्हारा जन्म सफल हो गया भाई। बहुत अच्छा भाई। भाई किधर हो? इसे लेकर जा। गुरु भाई की जय। गुरु भाई की जय। अब तुम दोनों शादी करोगे? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? तुम्हारे इतने अच्छे माँ बाप हैं, अब इन्हें भी मारू क्या? बचपन से माँ बाप ने तुम्हें इतने लाड़ प्यार से पाला, उसका बदला ले रहे हो तुम, और अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि उनका दिल तोड़ रहे हो। भले ही आप लोग शादी कर लो, मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। डैड मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ली का जींस अच्छा लगता है डैड, मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे वो शर्ट चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा। तकलीफ में रहकर भी तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया, इन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम लोग प्यार भी करते हो, घर से भागकर शादी भी करते हो, इनकी परवाह भी नहीं की, और अब तुम आराम से सेटल होना चाहते हो। माँ बाप कैसे भी हो, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। पापा मम्मी आप लोग हमें माफ कर दीजिए प्लीज। जो होना चलो, चलो घर चलते हैं। जरा सुनिए, क्या आप इन दोनों को छोटे बच्चे समझ के लेके जा रहे हैं? वो छोटे होने के बावजूद भी अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अपने प्यार को त्याग दिए, फिर आप तो बड़े हैं, अपने बच्चों के जज्बातों को समझकर उनकी शादी करवा दीजिए। जीवन में पहला प्यार और पहली ममता आखिर तक याद रहती है। अगर वो मीठा हो तो पूरी जिंदगी मीठी लगती है, और कड़वा हो तो उनके जीवन में वो यादें नासूर बनकर रह जाती है। अब आप ही बताइए आगे क्या करना है। सॉरी बेटा, चलो। हेलो, थैंक्स। फॉर व्हाट? उन दो लवर्स को एक कर दिया ना, इसलिए। आप भी किसी को लव करती हो तो उसे भी सॉल्व कर देते हैं। नो थैंक्स, टूटी हुई शादी को होशियारी से बचा लिया। यू रियली वेरी क्लेवर। देखो, जन्म देने वाले के लिए सम्मान पहले और प्यार करने वाले के लिए प्यार पहले, और कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे न देखते हो, जिसे मैंने पीटा वही ठीक है। मेरी माँ के लिए और मेरी मातृभूमि के लिए कोई कुछ कहे उसे मैं बर्दाश्त नहीं करता। मुझे भी, मैं अपने दादी से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी नहीं हैं। सॉरी, वैसे मुझे डाउट है। अगर तुम्हें प्यार में प्रॉब्लम झेलना पड़ा तो तुम क्या करोगे? अगर किसी को तुमसे लव हो गया तो बताओ। लव? और मैं, मुझे कौन लव करेगा? अगर मैं लव करना चाहूँ तो कोई लड़की तो होनी चाहिए ना, बिना लड़की के कभी लव होता है? और वैसे ये लव और प्यार का चक्कर मेरे जैसों के लिए नहीं है। अभी देखो, मैं यहाँ बैठ के ताज की चाय पी सकता हूँ, लेकिन ताजमहल में जाके चाय पी सकता हूँ क्या? यही फर्क है मेरे और प्यार के बीच में। वैसे तुम में क्या कमी है? हैंडसम हो, अच्छी हाइट है, पर्सनालिटी है, हीरो जैसे दिखते हो। एक लड़की को प्यार करने के लिए लड़के में जो चाहिए वो सारे प्लस पॉइंट्स तुम्हें है। तुम्हें क्या लगता है? मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? मैं तुमसे क्यों मजाक करूं? अगर मैं प्यार करने वाली लड़कियों की तरह सोचूं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? ऐसे में तुम क्या करोगे बताओ? क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? आओ, चलो अंदर चलो, यही मेरा घर है। आओ आओ। गुड्डी, ये हाय। मुझे पता है, हॉस्पिटल वाली, एप्पल वाली। ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी बहन। नमस्ते। और ये मेरे जीजाजी। नमस्ते। हाँ। और इसका नाम गुड्डी है, मेरी प्यारी भांजी। अच्छा, अभी आप ये कहोगे कि ये आपकी प्यारी बीवी है? ए, तुम ज्यादा बोलने लगी हो, चुप नहीं बैठ सकती? पर ये नहीं बताया कि ये कौन है। देखकर पता नहीं चलता क्या? आज के प्रेमी है और भविष्य में होने वाले पति पत्नी। कौन है? दोस्त या प्रेमिका? अनीता।
ये मेरे दादाजी हैं। दादा यस जलेबी खाओ दादा। चकली दो, काजू ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। बताओ आखिर बात क्या है, मैं पूछता हूं कौन है वो लड़की, अभी तो बता दो। मालूम नहीं। मालूम नहीं? उसका नाम, उसका आता पता कुछ तो होगा? नहीं मालूम। वो तुमसे प्यार करती है क्या? नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, वो सब जाने दो। ये भी नहीं मालूम। मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें पता है, पता है कि नहीं? मैं तुम्हारा दादा हूँ। नहीं मालूम। क्या? हे भूपति। दादाजी, वो दादाजी। खैर, मंदिर में उसने मुझे तुम्हारे बारे में क्या कहा था पता है? मैं हूँ अनीता, वो है गुरु यानी भूपति, मेरा भावी पति, समझे? हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ी लाइन पर आ रही है। अगर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती तो ये मुझसे नहीं कहती कि तुम उसके भावी पति हो। सही कह रहे हैं आप। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ये प्यार के सिवाय कुछ नहीं है। अरे, इतना बड़ा हो गया फिर भी प्यार का इजहार करने से डरता है, और मुझे जलेबी दिया, चकली भी दिया, और जो मैं जानना चाहता था वो कहा भी नहीं, आखिर में ठेंगा दिखाकर जा रहा है। अरे मैं सब समझ रहा हूं, सुन तो। मुझे तो मैं छीलता हूँ। क्या बात है, आज मेरा बेटा अपनी माँ को बहुत मस्का लगा रहा है। ए मदर इंडिया, बेटा अगर माँ की सेवा करे तो उसे क्या मस्का लगाना कहेंगे? गुस्सा मत हो, बात क्या है मुझे बताओ। मदर इंडिया, वो क्या है ना कि एक लड़की मेरे बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई है, ऐसा लगता है वो मुझे प्यार करने लगी है, मगर मैं तुम्हारी परमिशन के बिना क्या कर सकता हूँ? क्या वो अच्छी नहीं है? वो सब तो ठीक है। तो फिर? मेरे दिल में मेरी मदर इंडिया के सिवा किसी के लिए जगह खाली नहीं है। सच में माँ, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा किसी का स्थान नहीं है। तुम ही बताओ माँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता और ना बोल सकता है। मेरे बेटे का दिल इतना बड़ा है, उसे थोड़ी पता है। उसे बोलो कि दिल की किसी कोने में आकर शांति से अपनी जगह बना ले। ओके?
किसने भेजा है रे तुझे? रिम के बेटी से जो तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसी के लिए भेजा गया है। तुम इसी मिट्टी के हो, अपने आप को अपाहिज मत समझो, तुम ईश्वर की संतान हो। शायद तुम्हारे जरिए ईश्वर कुछ कहना चाहता हो, और तुम में मैं वो क्षमता देख रहा हूं जो तुम्हारी शक्ल पर मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारे काम की व्यवस्था मैं करूंगा, हौसला मत हारो, ओके? अब जनता दर्शन का समय खत्म हो गया, आप लोग अपना एप्लीकेशन मेरे पास छोड़ दो। रुको, आने दो, आने दो से। रुकिए रुकिए, कोई आगे नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो, न्यूज देखो? ओ, न्यूज देखने में बोर होता है। मेरी डैडी है, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। बोलो, मुझसे क्या चाहिए? मेरा नाम गुरु भाई। गुरु? ओह, आई कॉल यू लेटर। वाओ, बहुत अच्छा नाम है। मैं अच्छा हूँ और मेरा नाम भी अच्छा है, और माँ बाप का आशीर्वाद है। उसे उज्जवल करने का कारण हमारी जनता का प्यार। बातें तो अच्छी कर लेते हो। बातें अच्छी कर लेता हूँ, इसलिए आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। किस विषय में? मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। अच्छा है, पैसों की जरूरत है क्या? छी 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 छी, मैंने अगर आपसे पैसे की सहायता मांगी तो मैं मर्द कैसा? मुझे तो आपके आशीर्वाद और हाँ की जरूरत है। मंगल कार्य के लिए तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन किस लिए? जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो आपकी बेटी है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कहाना, मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे उतना ही चाहती है। इस विषय में मैं आपसे बात करने आया हूँ। इस बारे में आपकी बेटी भी नहीं जानती, आपसे परमिशन लेने के बाद ही एप्लीकेशन डालने की सोच रहा हूँ। वैसे परमिशन देने की अभी ज़रूरत नहीं है, कल परसों जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप काम में बहुत बिजी रहते हैं सर। तो अब मैं चलूं। डैडी, उसने क्या मांगा? सर, बोलिए सर, क्या कहना है आपको? आई लाइक हिम वेरी मच, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो मांगे उसे दे देना डैडी, वो बहुत प्यारा है। प्लीज, नो कमेंट। गुरु भाई ने, नो कमेंट प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। गाइस, स्टाइल हो रहा है। लेट मी अलोन। गन हो चाहे ब्रेन हो, उसका यूज करते रहना चाहिए, नहीं तो जंग पकड़ लेगा। ब्रेन यूज करके देखा ना। ए थापा, कौन था ये खजूर? अरे बोलते कहा नहीं भाई, कौन? गुरु भाई। कौन गुरु भाई रे? वही मलाड वाला गुरु भाई। शिव शिव, हमारे सात कोठे मलाड में है, इतने साल से राजनीति में झक मर रहे हैं, वो असार्थक हो गया रे। गुरु भाई के कदम रखते ही हमारी शुक्र दशा शुरू हो गई। ये सीएम की कुर्सी पर बैठने का इशारा है, गुरु भाई अकेला ही बहुत है, अभी गनवन नहीं चाहिए। सीएम, अब सुन ला, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। हेलो, वैसे तो तुमने एक अच्छा हैंडसम लड़का पसंद किया है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, प्यार में पड़ने के बाद सिक्स सेंस की तरह वर्क करने लगती है। शट अप। Oh,
अपने आप को समझते क्या हो? इसमें समझना क्या है? मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सारी क्वालिफिकेशन मुझे जानने के लिए तुम्हें क्या कम पड़ रही है? हमारी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड हुई थी, तुम मुझे अच्छे लगने लगे, ऐसे ही मजाक में दो चार बातें कर ली, तुम तो उसे प्यार समझ रहे। हेलो, किसने कहा बातचीत करने से प्यार हो जाता है? तुमने जो बोला उससे लगता है तुमने भाषण दिया, प्यार भी तो करना चाहिए। फिर प्यार बातों से नहीं होता है, दिल से होता है। अब मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्यार करना एक कमिटमेंट है और प्यार को कैश करना अचीवमेंट। और अगर मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ तो? लव? लव करता हूँ, करता रहूंगा, और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ओह, मैं सीएम की बेटी हूँ इसलिए मुझसे प्यार करते हो ना? अगर इतनी चीप मेंटलिटी मेरी होती ना तो मैं सीएम की नहीं पीएम की बेटी से प्यार करता। और जिस प्यार में स्वार्थ भरा होता है ना वो कभी प्यार नहीं होता। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ ठीक है, बिस्लेरी पी के पलने वाले देश में प्यार का रंग जल्दी नहीं चढ़ता। ये जो शरीर है भारत की जमीन पर बहने वाली गंगा नदी का पानी पीकर बड़ा हुआ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यही बहुत है। ओहो, जानू जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना ही प्यार है तो कहने में शर्माती क्यों हो? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हाँ, प्यार करने के लिए दिल चाहिए और प्यार पाने के लिए हौसला, और इसके बाद ये सब पाने के लिए जिगर की जरूरत होती है, समझे? वैसे भी मैं बहुत बड़ा जिगर वाला हूँ। अरे चलिए जल्दी चलिए। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. बिटिया नमस्कार, माँ नमस्कार, नमस्कार सभी को। हाँ यहाँ रखिए। अरे माल पानी लेकर आइए भाई, जल्दी लाइए। हलवा आया क्या? इधर रखिए। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर रहिए, हम आते हैं। कौन है आप? हमारा नाम है भानु प्रसाद, जनता हमें प्यार से वर्कआउट भानु प्रसाद कहते हैं। इस राज्य में कहीं भी अन्याय होता है तो हम सबसे पहले वर्कआउट करता हूँ। इस वक्त हम सिर्फ विरोधी पक्ष का नेता हूँ पर अगला चुनाव हम ही जीतूंगा। हाँ, अब यहाँ किसने किस पे अन्याय किया है जो तुम वर्कआउट करने आए हो? शिव शिव, सात कोठी मलाट में है। अरे भौजी कैसी बात कर रहे हैं, जहाँ गुरु भाई जैसा बहादुर हो उस घर में अन्याय कैसे होगा? जहाँ हम 20 साल से पूरा ताकत लगाकर भी उस सीएम को नीचा नहीं दिखा पाया, वहाँ हमारा गुरु भाई 20 मिनट में उसकी इज्जत का मटिया मेट कर दिया। और ऐसी बात के लिए तो हम अपना गुरु भाई को थैंक बोल के फ्रेंडशिप करने के लिए आया हूँ। वाह 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 वाह, अरे कब पर्सनालिटी है, लगता है जैसे तिरुपति बालाजी का वीआईपी कोटे में दर्शन हो गया। अरे टीवी में तो तुम्हारा पर्सनालिटी आधा भी नहीं देखता है। देखो भाई ये सब स्वीकार करो, हमारी पार्टी का सबसे सम्मान। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अरे देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि हम और आप एक हो जाते तो इस सीएम की सीट हमारी होते और मिठाई आपकी हो जाते। देखो अभी मैं इज्जत से कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। हम कहते हैं कि एक बार और सोच लीजिए। सोचे बिना मैं कुछ नहीं बोलता, और बोलता हूँ फिर सोचता नहीं हूँ। आज तुम पहली बार आए हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मार मार के हालत खराब कर दूंगा। ए, उठा लो साहब। क्या होता है कि इस उम्र में खून गर्म होता है, एक आध आप हमको जड़ दिए तो हम तो यहीं गिर जाएंगे। फिर भी आप हमारा कार्ड रख लीजिए, कभी जरूरत पड़ी तो हम आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपकी राजनीति में प्यार हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्यार में राजनीति करने की कोशिश मत करना। मैं गुरु भाई, याद रखना। भानु प्रसाद निकल ले यहाँ से, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी रे। गुड डे, गुड डे।
ठीक से देखा मेरी बेटी थी ना नो नो उसकी फैमिली में उसके यार दोस्तों में कौन कौन है उन सब की डिटेल लेकर मेरे पास फौरन लाओ उसको लेके आओ कैसे हो भाई ठीक हूँ और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी अच्छी है भाई आज कोई मैच है क्या नहीं तो क्यों तो ये सारे फील्डर फील्डिंग के लिए क्यों आ रहे हैं हाँ रे ये तो सीधा कैप्टन की तरफ आ रहे हैं कैप्टन का खेल देखकर बहुत दिन हो गए थे आज तो हम दोनों को बहुत मजा आएगा टॉस करके देखते हैं भाई टॉस विन मेरा ही है बैटिंग आपकी सिक्सर की गारंटी है उसके बाद क्या ए, तुझे सीएम साहब ने बुलाया चल ए, ऐसे नहीं मानेगा इसको उठा के लेके जाएंगे ये तो पौरुष का संकेत है बिजली को देखने के लिए बोला होगा इसने तो छू ही लिया इसीलिए जलकर इसका धुआं निकल गया देखो इन लोगों को देखो कैसे डर के मारे कांप रहे हैं ए मारने आए कि मार खाने आए अगर आधे घंटे के अंदर अपना बुरिया बिस्तर नहीं बांधा तो खत्म ए, जाके अपने साहब को बोल मुझसे कोई भी बात करनी हो तो मेरी अपनी जगह पे टाइम पे पहुंच जाए सर उसका नाम गुरु भाई है वो मिलिट्री अफसर का बेटा है जो अब जिंदा नहीं है इस शहर में उसकी माँ और बहन की बेटी है गांव में उसकी बहन जीजा और दादा साथ में रहते हैं आईएएस एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहा है और एक यार्ड में वो टेम्पररी जॉब कर रहा है जहाँ पर वो गरीब और कमजोर मजदूरों की मदद करता है आपने बहुत उपकार किया है आप जब से यहाँ पे आए हैं तब से हमारे अनाज की अच्छी कीमत मिल रही है सर तुम सही कह रहे हो भाई हम लोग यहाँ पे अपने अनाजों पर लोन लेकर जाते थे साहब और जब से आप आए हैं आपने हमें दलालों के चंगुल से बचा लिया आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें अनाज मिलता है हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा अब आप लोग जाइए उसने जहाँ बुलाया है हमें वहीं जाना होगा अरेंज इट सीएम की थोड़ा भी टाइम का सेंस नहीं है तुम्हें क्या कर सकता हूं सर हमारे मिनिस्टर लोगों को कॉमन सेंस नहीं है वो लोग आते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है उनके बीच में से आने में टाइम तो लगता है ना सर बैठो कोई बात नहीं सर तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है सॉरी सर बड़े लोगों के सामने खड़े रहना कोई गलत बात नहीं
मैंने कहा जो तुम प्यार कर रहे हो ना वो सही नहीं है। इस तरह बोलने वाले आप पहले सीएम हैं सर। तुम मेरी बेटी से प्यार मत करो। क्यों सर, आपकी बेटी लड़की नहीं है? पत्थर को सर पे मारने की कोशिश मत करो। अपनी सत्ता का रौब दिखा के मुझे डराने की कोशिश मत करो। तेरी आंखों में मुझे चतुराई नजर आती है और आपकी आंखों में मुझे खौफ नजर आता है। मैं तुमसे डर के यहां पे नहीं आया हूं। आपको डरा कर यहां ले आने वाली ताकत प्यार में है। प्यार करने से पहले पंचांग नहीं देखा जाता, प्यार करने के बाद पंचभूत क्यों न सामने आ जाए, फिर वो प्यार के सामने कभी टिक नहीं पाता है। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। तो मैं आपके मरने तक इंतजार नहीं कर सकता? ये प्यार करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप इन दो चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। पहला है प्यार और प्यार की परिभाषा। वैसे प्यार की कोई जाति नहीं होती, अगर होती तो शायद आपके पास वोट बैंक नहीं होते, और वोट बैंक नहीं होते तो शायद आप इस पद पे नहीं होते। पढ़ लिख कर इंसान बुद्धिमान बनता है, अगर बुद्धिमान लोग होते तो तुम जैसे लोगों को वोट मिलते ही नहीं, और अगर वोट नहीं मिलते तो ये गद्दी तुम्हारे पास नहीं होती। वैसे तुम इन बातों को मानोगे नहीं, ये मुझको पहले से ही पता था। मुझे समझने और समझाने की तेरी उम्र नहीं है। मुझसे भी इस तरह बात करने की आपकी भी उम्र नहीं है। तुमसे बात करने वाला कोई मूर्ख ही होगा। वैसे तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है, गद्दी के काबिल नहीं। तुम किसके सामने बात कर रहे हो तुम्हें बताए? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और सर मैं इस राज्य की प्रजा हूँ। ये सब प्लान तुमने जनता को भड़काने के लिए किया है ना? तुम क्या समझे ये सब भाड़े से आए हैं या मंडप में बंधे केले के झाड़ से? एक गांधी नोट और एक शराब की बोतल देकर लोग इकट्ठे करना ये आपका काम है। ये लोग मेरे प्यार और मेरे स्वाभिमान की खातिर मेरे कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये सब ठीक नहीं है, छोड़ दे इसे। अगर ये सब कहेंगे तो छोड़ दूंगा। ए भाई लोग, क्या छोड़ दें? दया करो बेटा, दया करो। तुम्हारे प्यार की वजह से हमारा स्लम क्लीन हो गया। अगर शादी हो गई तो हमारा राज्य राम राज्य हो जाएगा। सुन ली इन लोगों की दास्तान, देखा मेरी बातों पे कितना भरोसा करते हैं ये लोग। ये गुरु भाई परफेक्ट। तुमने बहुत दिन पहले मुझसे कुछ मांगा था, याद है तुम्हें ना? डैडी, डैडी। ओह, वो साधारण इंसान नहीं है। कौन? वो देखो मैं कितना स्वार्थी हूँ, अपने काम की टेंशन में तुम्हारे भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें लंदन में पढ़ाना चाहिए। डैड, मैंने अपना एप्लीकेशन कब का दिया था और अब वो सैंक्शन हो रहा है। मुझे अपने ग्रुप को छोड़ने का मन नहीं करता, और हमारे यहाँ भी तो बहुत अच्छी एजुकेशन है। वो तो ठीक है, यही पढ़ूंगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि लंदन की एजुकेशन बेस्ट है। प्लीज डैड। ये हीरो, शर्ट के बटन बंद कर, बड़ा रिकमेंड करने आया है, चल जाए यहाँ से। इस बार ऐसा बजट बनाओ कि मिसाल बन जाए। जी। मिनिस्ट्री के सारे लोग इसी का अनुकरण करें। जी। ओके ओके, नमस्ते। उसका नाम गुरु भाई, वेरी स्मार्ट गाय। कानून के हिसाब से हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करो कि वो हमारे रास्ते में टांग न अड़ाए। ओके। यस सर। यारे, 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 बाबा, बाबा।
चप्पल वाली नहीं आई? ए चुप करना। आहा, क्यों चुप रहूं? अभी से वो इतना इंतजार कर रही है। चुप बैठ। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आओ। आज इतना मत देखो, नजर लग जाएगी। ये ऐसी बड़बड़ करती रहती है, चुप करना। हाँ जी से आशीर्वाद लो। कौन है? आ रहा हूं। बशीर तुम? सर आप अभी तक भूले नहीं, मैं इन दिनों बोरी वाली एरिया में हूँ। तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? जब तुम स्कूल में बदमाशी किया करते थे तो मैं तुम्हें डंडे से खूब मारा करता था, याद है कि नहीं? उसी डंडे की मार से तो आज इंस्पेक्टर बना हूँ सर। आज तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये बताओ यहाँ कैसे आना? गुरु भाई से मिलना था। गुरु भाई? भूपति। मेरा नाम बशीर भाई, बोरीवली एरिया, शहर मुंबई। बिल्कुल ठीक, तुम एकदम परफेक्ट और फास्ट हो। अरे जब मेरे दादाजी ने आपको पढ़ा के परफेक्ट कर दिया तो फिर मैं तो उनका पोता हूँ, परफेक्ट तो रहूंगा ही। आइए बैठते हैं, बैठिए। कैसे आना हुआ? तुम सीएम की बेटी से मिलना बंद कर दो। आपका इससे क्या संबंध है? उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उसके बाप से प्यार नहीं किया। अगर उसका बाप चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो फिर उन्हें कहो कि पहले वो राज्य के लिए अच्छा करें। बड़ी बातें कर रहे हो, वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? वो मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। और कहीं उसने धोखा दे दिया तो? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो धोखा दे ही नहीं सकती। और आगे बोलिए आप। जहां तक मैं समझता हूँ लव एक स्लो पॉइजन है। मैं हंसते हंसते ये पॉइजन पी जाऊंगा, बाकी आगे देखते हैं। जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा। सीएम के बताते ही मैंने सोचा कि इस मैटर को खत्म कर दूं। जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिस्कस किया तो पता चला तुमने सरेआम प्यार का इजहार किया है। तुमने तो आईएएस का एग्जाम भी दिया है। मेरा स्टेटमेंट तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता है, और ये सब जानने के बाद भी तुम मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, लेकिन यही मर्दांगी मुझे अच्छी लगी। मैंने खाकी वर्दी नहीं पहनी होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी करवाता और तुम्हारी पूजा भी करता। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, और यकीन है कि तुम भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओगे।
वो सीएम हो या उनकी बेटी या कोई और हो, तुम जो कर रहे हो वो परफेक्ट है। जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ। और हाँ, शादी में बुलाना मत भूला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सीएम को नहीं पता कि पुलिस हमेशा न्याय का साथ देती है। I'm out सीएम। राजनीति में 20 साल से एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी हम सीएम का कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाए। और ये गुरु भाई है ना, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, इसने तो सीएम की पुंगी बजा दी और फिर भी सीएम इसका कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाया। ऐसा का है? वो बहुत होशियार है, उसके दिमाग में बुद्धि है। हमका बड़बक है, दिमाग में गोबर भरा है। नमस्कार, ये एक विशेष कार्यक्रम है। राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी अनीता अपना बर्थडे 5 स्टार में मनाने की बजाय आज यहाँ स्लम एरिया में मनाने आई हैं। चलिए इसी बारे में बात करते हैं। ए थापा, साउंड बढ़ा रहा, साउंड हमरा सीट धरा सही होने वाला है। कैसे आया? मैंने हैव फी रिटर्न्स ऑफ द डे। लीला पैलेस या ताजमहल में होने वाली हमारे सीएम की बेटी की बर्थडे पार्टी ये गुरु भाई के साथ झोपड़पट्टी में कैसे मनाई जा रही है? यानी तो कुछ तो गड़बड़ है। ए थापा, अरे तुम्हारे पास सीएम का नंबर है ना? लगा लगा लगा, अरे लगा ना, डायल कर। अरे जल्दी कर, ला 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 ला। हेलो। हाँ हेलो, हम वर्कआउट भानु प्रसाद, विरोधी पक्ष नेता सर। ओ भानु। हाँ बोलो, कोई खास बात है क्या? अरे वही 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 तो हम आप तो जानना चाहते हैं कि दादा का वारिस तो पोता होता है, यही तो सालों से चल रहा है, यही कानून है। लेकिन बाप का वारिस बेटी, अरे ये कहाँ का कानून है रे? ये कैसी बातें कर रहे हो? हिंदी बोल रहे हैं एकदम खालिस हिंदी। और हमारे साथ राजनीति का बेटी को राजनीति का दांव पे सिखा रहे हैं। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हम का दिमाग खराब कर रहे हैं? अरे टीवी ऑन कीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपकी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी तो बर्थडे पार्टी कर रही है, क्या हुआ? वर्कआउट का ही वर्कआउट। कैसी हो? हेलो मैडम। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। ये कार्यक्रम करने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? वैसे मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, फिलोसोफर, मेरे गाइड, वो तो इस राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पिताजी हैं, और मेरे ही जैसे इस जनता की सेवा करने के लिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं, और मेरा हॉस्पिटल स्टाफ भी। गुरु, हाय। मैंने हैप्पी रिटर्न। थैंक यू। यही है मेरा इंस्पिरेशन। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैडम? ये अपने हर बर्थडे पर रक्तदान देकर सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के दान करने वाले हर अंक का रिपोर्ट करा चुके हैं। इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, है ना? और आपकी प्रेरणा? इस शरीर को दफना दो तो मिट्टी में मिल जाता है, और अगर जला दो तो राख बन जाता है, और क्या। यू आर रियली ब्रेक सर। और इसका कारण क्या है सर? इसका कारण क्या है पता है? मेरी माँ की परवरिश और जनता का प्यार, और इन्हीं दोनों से बना ये गुरु भाई। गुरु भाई, गुरु गुरु भाई। ये राज्य में आपका ही खानदान राज चला सकता है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और हम भी आपका कुछ कर सकते हैं। हमारे बीच में कोई अनबन हो तब भी हम भाई भाई हैं। अरे यही तो राजनीति है। लेकिन हमारे बीच कोई और आए ये नहीं होना चाहिए। अरे सोचिए, नहीं तो हम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। हाँ अबे काली है, सब्जी सब धो लिया ना? खड़ी शक्कर और गेहूं आ गया क्या? आ गया भाई। किसी को भी कोई भी सामान उधार मत देना। हाँ। मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है ना? जरा क्वाइन देना। सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। वाह, कितनी सुंदर तुम्हारी आंखें हैं।
कितने कोमल तुम्हारे होठ हैं। दिल करता है तुम्हारे होठों को हमेशा चूमता ही रहूं। क्या ख्याल है? हेलो हेलो, एक क्वाइन देना। तुमने देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी आंखों में बस जाए हम। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। जाने मन, फोन पर तो प्यार मोहब्बत हो गई, अब आमने सामने मिलो तो और अच्छी तरह प्यार हो जाए। फोन रखो। ओ भाई, मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें ही। फोन में इतनी देर से अपनी मासूका से जो प्यार भरी बातें कर रहे थे, उसका पैसा कौन देगा बोल? हाँ? पैसे? मैं तुमको क्यों पैसे दूँ? ए, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? मुझसे कॉइन ले लेकर फोन पे मोहब्बत की बातें की और फिर पूछता है कैसा रुपया? रुपये? हाँ? मेरे बोतल का पानी तो फ्री में पी गया था। ए भाई, हाँ? तुमने जो पैसा दिया वो मैं कहाँ डाला? इस टेलीफोन के डिब्बे में। ऐसा है क्या? ये फोन का डब्बा किसका है? मेरा है। फिर पैसा किसको दिया? तुझे। आपके दिए हुए पैसे मैंने कहाँ डाले? मेरे टेलीफोन के डिब्बे में। ये बात है ना? वाइन तुम्हारा, पेटी तुम्हारी, तुम्हारे हाथ से लिया हुआ पैसा तुम्हारी पेटी में डाला, तुम्हारे फायदे के लिए मेरा रास्ता बनाया, और मुझसे ही पैसा मांग रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे डिटेल में तुम बताओ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही हाथ से लेकर मैंने तुम्हारी ही पेटी में डाला और तुम्हारा ही फायदा कराया, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको पैसे दूं? मैं तुमको पैसे क्यों दूंगा भाई? ये कहाँ का इंसाफ है साहब? डिब्बा मेरा, कॉइन मेरा, कॉइन मेरा, डिब्बा मेरा, डिब्बा मेरा, कॉइन मेरा, मेरा डिब्बा, कॉइन मेरा। मेरे सर पे जूता मोर के चला गया। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। चित्रदुर्ग के पत्थर पे जिसने शासन किया, हुआ ऐसा महान इंसान, बैठिए। मेरे पास कैसे आना हुआ कहिए मास्टर जी, अपना शिष्य समझकर। बेटा, मेरा मूल गांव गंगापुर जिले में आता है, जहां पर एक छोटा सा कस्बा है। वहां छोटे छोटे गरीब किसान रहते हैं, जिनके पास दो चार एकड़ जमीन है। हम सब मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उस जमीन पर अच्छी फसल के लिए पानी की जरूरत है, जिससे फसल अच्छी हो। उसके लिए हमें 3 लाख की जरूरत है। बेटा, अगर तुम हमको 3 लाख रुपया सैंक्शन करवाते हो, अच्छी फसल होने के बाद हम वो पैसे सरकार को वापस लौटा देंगे। ये सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जब सब हल एक हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। हाँ। पानी ही क्यों, अगर किसान चाहे तो मैं वहां दूध की नदी बहा दूंगा। हमारी सरकार आपकी सहायता के लिए, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। बैठिए बैठिए, लीजिए ये। हाँ लीजिए, बैठिए ना। आराम से खाइएगा। ये थोड़ा सा खाइए। अरे अभी रहने दो बेटा, बस बस अभी बहुत हो गया। ओके ओके। ए श्रीनिवास, कहाँ है तू? आया सर। आप खाइए ना। थोड़ी सी ढील किया दे दी, तुम तो सर पे बैठ गए। किधर था? गलती हो गई सर। जाओ। अरे आप खाइए ना, खाइए ना।
खाना कैसा था सर? बहुत अच्छा था। हमारे घर में दीपावली के दिन ऐसा ही बनता है। लेकिन हमारे घर में तो रोज ऐसा ही खाना खाते हैं। मास्टर जी, जब आपने अपना परिचय दिया तो एक बात नहीं बताई। समझ में नहीं आया क्या? आप गुरु भाई के दादा हैं ना? उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। वो अपने आप को 30 मार्का समझता है। मेरी बेटी से शादी करके ऐसा खाना खाना चाहता है। उसे नहीं पता कि अगर मैं चाहूं तो अपनी बेटी के लिए चांद पे घर बना सकता हूं, वहां खाना खिला सकता हूं। अगर मैं चाहता तो ये सब आपको पहले बता सकता था। खाना खिलाने के बाद क्यों बोला आपको? ताकि हमारे रहने खाने के बारे में पता चल जाए। मैंने अपनी बेटी के बारे में न जाने क्या क्या सपने देखे हैं, पता है आपको? उसकी पढ़ाई लिखाई लंदन में होगी। तुम्हारा पोता तो इसी उम्मीद पर बैठा है। तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोग तो बड़े घर की लड़कियों को पटाकर अमीर बनने का ख्वाब देखते हो। उसे समझाओ, मेरी लड़की के रास्ते से हट जाए, इसी में उसकी भलाई है। नहीं तो उसे कहीं देखने के लायक नहीं करूंगा। बंद करो तुम्हारा ये भाषण। पावर का घमंड मत करो, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। मेरा पोता लाखों में एक है और ये सब माँ भुवनेश्वरी की कृपा है। मेरी बात गौर से सुनो। उसे ना चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन आज वो कहाँ है? तुम्हारा खाना खाने से पहले, हाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें भी कोई राजनीति होगी। ये तुम्हारा खिलाया हुआ खाना कम से कम कितने का होगा? 500 रुपए का? ये लो 500 रुपए। और ये रहा तुम्हारा टिप, ये मत करो वो मत करो, ऐसा ठीक नहीं है। ये सब बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, तो गैर है। हम मध्यम वर्ग के लोग अपने इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देते हैं, और आप जैसे अमीर लोग कुर्सी और सत्ता की लालच में लोगों की जान भी ले लेते हैं। मैंने अपने जीवन में राजनीति पाठ बहुत पढ़ा और पढ़ाया है। तुम इस मास्टर को पढ़ाने की कोशिश मत करो। नेवर नेवर। ओ सॉरी, मैंने तो आपको एक अच्छा मुख्यमंत्री समझकर और एक आम प्रजा की तरह अपनी समस्याओं को बताया। आपने उसे नहर के पानी के लिए स्वीकृति भी दे दी, मगर आपका अधिकार, आपकी अच्छाई से आपका अहंकार आपको नीचे दबा रहा है। उस अहंकार को निकालकर फेंक दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। और एक बात जान लो कि इस देश में मुख्यमंत्री से ज्यादा अहमियत एक अच्छे इंसान की होती है। चलता हूं, नमस्कार। डैडी, डैडी, मुझे एक बात कहनी है। मेरे बर्थडे के दिन मैंने आपसे कुछ मांगा था और आपने देने का वादा किया था। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, क्या चाहिए क्या चाहिए? वो डैडी, मुझे गुरु गुरु बहुत अच्छा लगता है। डैडी क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? उसका ख्याल छोड़ दूं? मुझे पता है मेरे डैडी मेरे लिए कभी इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन बेटी, कौन गुरु भाई? ओ, अपने होम मिनिस्टर का बेटा? नहीं नहीं, वो नहीं डैडी, जनता दर्शन वाला। जनता दर्शन? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? ब्लड डैडी, ब्लड। ओ, ओ। तो कैसा लगा मेरा सिलेक्शन? वो हाइट, वो स्टाइल, वो पर्सनालिटी और वो पावर, डैडी। हाँ, ओके, ओके डियर, मैं उसे एक बार बात करना चाहता हूँ। आई वांट टॉक टू हिम। ओके, मैं कल ही अरेंज करती हूँ। ओह माय स्वीट डैडी।
डैडी डैडी गुरु टेक योर सीट थैंक यू मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया वो तुम्हें चाहती है ये तुम्हारा सौभाग्य है बिल्कुल ठीक यह मेरे प्यार की जीत है सर इस दुनिया में मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं मेरी जान है वो आपकी बेटी का मैं प्यार हूं मैं उसकी जान हूं मेरी बात ध्यान से सुनो भूपति इन दोनों ग्लास में से किसी एक ग्लास में जहर है मुझे भी नहीं मालूम और तुम्हें भी नहीं मालूम किस में है मैं इसे पीकर साबित कर सकता हूं कि मैं अपनी बेटी को कितना प्यार करता हूं और तुम सॉरी सर यह खेल मुझे पसंद नहीं आया मैंने बहुत सोचा सर आप पी सकते हो क्योंकि आपकी शादी हो गई और आपकी बेटी जवान हो गई इस राज्य का सीएम बनने की आपकी तमन्ना पूरी हो गई लेकिन मेरी जिंदगी के सुनहरे क्षणों की यह शुरुआत है और अभी अभी तो मैंने जीना शुरू किया है और मैं तो बसंत का हरा पत्ता हूं अभी और आप पतझड़ के सूखे पत्ते हैं आप पी सकते हो मुझे तो अभी जिंदगी के और भी खेल खेलने सर शुरुआत आप कीजिए तुम कहां के लवर हो लवर यानी लैला मजनू रोमियो जूलियट सलीम अनारकली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर वो सब जिंदा नहीं है वो मर के अमर प्रेमी हो गए लेकिन हम ऐसे नहीं होंगे उन अमर प्रेमियों के हम प्रेमी होंगे ये आपका नया अंदाज है मेरा नहीं पहले के प्रेमी खुद जहर पीते थे लेकिन आज पैदा करने वाले ही जहर देते हैं यही फर्क है बट रिजल्ट इज वन एंड द सेम एक बार इंसान के मन में प्यार आ गया तो उसका शरीर ही अमृत हो जाता है और उसके बाद उस पर जहर का असर नहीं होता आपके एग्जाम में मैं पास हो गया ये गुरु भाई प्यार से जीतता है कुटिलता से नहीं आई एम परफेक्ट शाबाश बेटी शाबाश इस खुशी के मौके पर तुम अपने हाथों से मिठाई खिलाओ जाओ मैं अपने दामाद से तब तक बात करता हूं यस डैडी
बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरे पिता कहते थे, और अब मैं उसी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी बेटी से शादी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास, हैसियत क्या है तुम्हारी? 7 करोड़। 7 करोड़ जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, यही बहुत है। आशीर्वाद से तुम मेरी बेटी को पाल नहीं सकते हो। आशीर्वाद? आशीर्वाद के मोल का आपको अंदाजा ही नहीं है। अनीता को पालने के लिए जो प्यार चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। अनीता के लिए तो गुरु भाई का प्यार काफी है। तुम एक काम करो, मेरी बेटी से शादी करके घर जमाई बन जाओ, अपना घर परिवार और माँ को। जब कुछ ही दिनों की जान पहचान से तुम्हारी बेटी को नहीं भूल सकता, तो उस माँ को कैसे भूल सकता हूँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में रख के मुझे पाला और जन्म दिया। अपनी माँ के प्यार को भूल जाना इंसानियत नहीं, मक्कारी कहलाती है सर। गुरु भाई, चिल्लाओ मत, बैठे रहो। अगर मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया तो क्या तुम उसे भगाकर शादी करोगे? बोलो, जवाब दो। जवाब दूं? मैंने तो सोचा था कि पूरे विधि विधान के साथ आप अनीता की शादी करोगे, कन्यादान करके उसका हाथ मेरे हाथ में दोगे, लेकिन आप तो उसे भगाकर ले जाने की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। आप जैसा बाप तो मैंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखा सीएम साहब। बड़ी अजीब बात है। एक बार मेरी बेटी ने कार के लिए जिद की थी, उस कार की कीमत क्या थी ये जानने के लिए मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी की प्यार के आगे उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। और वो 50 लाख की गाड़ी हमारे पैलेस के शेड में पड़ी है। और एक बार मेरी बेटी को एक कुत्ते के बच्चे से लगा हो गया, उसको पाने के लिए वो जिद करने लग गई। तुम्हें पता है मैंने उसे कितने में खरीदा था? 5 लाख में। आज वो कुत्ता हमारे गेट पर है। अब बोलो, तुम्हारी कीमत क्या है? अपने गेट पे भौंकने वाले कुत्ते की कीमत से अगर मेरी कीमत लगाओगे तो इस गुरु भाई से कुल हो जाओगे, समझे? प्यार के मोल को तराजू में तोलने वाले चिल्लर व्यापारी की तरह बात मत करो। आज मैं तुम्हें अनीता की वजह से छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी होता ना तो ये गुरु भाई उन्हें भी नहीं छोड़ता। एक बात बोलूं, हम भाग के शादी नहीं करेंगे। पाय लागू सरकार। अरे ईका सुन रहे हैं हम? हाँ, अरे ये सब क्या हो रहा है इस घर में? वो तो शैतान है मान लीजिए। अरे आपके घर में आके आपकी इज्जत का कचरा करके चला गया, मामूली आदमी नहीं है। अरे आपको तो दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा। हाँ, अगर पावर यूज किया तो गलत हो जाएगा, फिर और कुछ किया तो बेटी को पता चल जाएगा। देखिए ऐसा है, कुछ भगवान कुमकुम अभिषेक करने से भर देते हैं और कुछ भगवान रक्ताभिषेक करने से भर देते हैं, ऐसा ही कुछ कीजिए। लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। हाँ, आपको बेइज्जती सहना तो सहो, हम नहीं सहूंगा, आप भले चुपचाप बैठो, लेकिन ये भानु प्रसाद चुप नहीं बैठेगा। क्या करता हूँ देखना, कितना भी पैसा खर्च हो काट डालूंगा उसको, वर्कआउट करके रहूंगा उसको, तो हम टपका के रहूंगा। रुकिए अंकल, रुकिए अंकल, रुकिए, मेरे डैडी को कुछ लोग मार रहे हैं, मुझे हेल्प चाहिए अंकल। चलो। और कितना दूर है?
रुकिए अंकल, रुकिए अंकल, रुकिए, बस पहुंच गए। यहीं पे? चलो उतरो। रुको। जल्दी अंकल, जल्दी यहाँ पर आओ अंकल। हाँ, बाबा, जल्दी अंकल, जल्दी। गुरु भाई, शाबाश। मैंने तो सोचा था कि गुरु भाई के दोनों हाथों में कड़ा होगा, कमर में चैन, हाथ में गन, बट यू डोंट हैव नथिंग विद यू। लेकिन तुम्हें मारने के लिए हमारा 30 सेकेंड ही बहुत है, बट मैं 2 मिनट तुझे दे रहा हूं। ये ले, मैं तुझे अपने आप को मारने के लिए कहूं तो ये सुसाइड। मेरा स्टाइल डिफरेंट है। गुरु भाई को टाइम देने वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। मैं अब तुम लोगों को 1 मिनट देता हूं और इसके अंदर अपने बटालियन को लेकर चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों में से कोई भी कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि भूपति यानी कि गुरु भाई एकदम परफेक्ट।
आज क्या स्पेशल बात है? मेरे डैडी ने शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं, कब करे शादी? क्या बात है, आज मूड में लग रही हो? एक्साइटेड होने की बात नहीं है। तुमसे एक बात पूछूं, अपनी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अगर दोनों के घर वाले मान गए तो अरेंज मैरिज, और अगर कोई नहीं माना तो लव मैरिज। पर एक बात बताओ, हमारी लव मैरिज को कोई डिस्टर्ब क्यों करेगा? तुम कैसे परफेक्ट बोल सकती हो? अरे कोई ना कोई तो होगा डिस्टर्ब करने के लिए। तुमको अपने मन में बसा कर प्यार कर रहा हूँ, तुम नहीं मिली तो कोई और सही, कोई और सही। हटो यहाँ से। ए अनीता, अरे रुको, अरे मेरी बुलबुल रुको, कमला, विमला, अरे रुको तो सही। The rat went outside the house, mama. नानी नानी देखो कोई मिलने आया है। नमस्कार, कैसे हैं भौजी? ओह, तो आप हैं। मेरे बेटे के हाथों अपनी आरती उतरवाने आए हो? आरती तो हम करवा लिए भौजी, लेकिन प्रसाद नहीं मिला, इसलिए दक्षिणा देकर हम प्रसाद लेने के लिए आए हैं। देखिए इसमें बहुत पैसा है, अगर पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ कर खाएगा ना तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन वन कंडीशन, आप और आपका बेटा दोनों के दोनों हमको फिर कभी दिखना नहीं चाहिए, चले जाइए यहाँ से। सूटकेस देकर खरीदने वाले इस व्यवहार को अपने घर तक ही रखे, प्यार और संस्कार से भरे इस घर में नहीं आना चाहिए। जो कहता है सुनिए, तकरार मत कीजिए। इस सीएम साहब है ना, हमारे गुरु भाई को तोते की तरह समझते हैं। वो सोचते थे कि गुरु भाई की शादी अपनी बेटी से करवा के उनको घर जमाई रख लेंगे, लेकिन गुरु भाई मना कर दिए और कहने लगे कि हमारी माँ हमारे लिए भगवान समान है, उनको छोड़ेंगे। तब आपको समझाने के लिए सीएम साहब ने राजदूत बना के हमको यहाँ भेजा है। वो मेरा बेटा है, स्वाभिमान और नेकी की राह पे चलने वाला मेरा सपूत है वो। जिस तरह जीजाबाई ने शिवाजी को, सुभद्रा ने अभिमन्यु को पाला था, उसी तरह मैंने भी अपने बेटे को स्नेह और सच्चाई का अमृत पिलाया है। और फिर आप जैसे हजारों लोगों ने कोशिश की मेरे बेटे को खरीदने की, लेकिन कोई उसे खरीद नहीं पाया। एक टीवी टूट गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारे बेटे का चैन वापस नहीं आएगा। हाँ। चुप करो, मेरा बेटा एक आग का गोला है, जल जाओगे उसे छुओगे तो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये भानु प्रसाद बहुत बड़ा राक्षस है, अगर खुश हो जाए तो बकरी का सिर काटा था और गुस्सा हो जाए तो इंसान का। हाँ। चलो रे। डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हुआ सासू माँ को? गुड्डी और माँ कैसे हैं गुरु? नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, सर पर चोट लगने की वजह से थोड़ा खून बह गया है, पर जल्द ही होश में आ जाएंगी। पर शी इज ऑल राइट, वैसे गुड्डी डर से थोड़ी सहम गई थी, पर आधे घंटे में वो भी ठीक हो जाएगी। गुरु तुम अपनी माँ से मिल सकते हो? नहीं नहीं, आईसीयू में साथ में नहीं जा सकते।
चलो, देखना सब ठीक हो जाएगा। गुरु भाई, लेटर आया है। घर से पता चला कि हॉस्पिटल में हो। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर? चिंता की बात नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अपॉइंटमेंट लेटर? लेटर? तुम जाकर ज्वाइन करो गुरु, माँ भी यही चाहती थी। हम सब है ना माँ की देखभाल के लिए। ये सब मेरे लिए, ये सोने के हार की क्या कीमत, जब मेरे पास भगवान की दया से तेरे जैसा कोहिनूर हीरा है। जाओ अपनी आईएएस की पढ़ाई पूरी करो, और पढ़ाई पूरी करके जनता की सेवा करो। गो अहेड ना गुरु। बुड्ढे को होश आ गया है, वो अपने मामा से मिलना चाहती है। कौन है उसका मामा? आइए लेट्स गो। चलो मामा, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। उस समय वॉकआउट बोलने वाले अंकल आए थे, उन्होंने नानी के साथ झगड़ा किया और फ्लावर वाज सर पर मार दिया और नानी को चोट लग गई। देखिए हमरा को छोड़ दीजिए, इसमें हमरा कोई दोष नहीं। इस सब जो कुछ भी हुआ है वो है ना सीएम के कहने पर हुआ। तुम हो इधर क्या कर रहे हो? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मानवता और सिद्धांतों की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन हाथ उठाया तो एक औरत के ऊपर, एक माँ के ऊपर। मर्दानगी दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे, तो आजा, आ, आना, आजा, आजा, आ, आजा, आजा, आ, आ, Oh!
आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? या? यही ना कि मैंने तुम्हारी बेटी से प्यार किया है? बता, प्यार क्यों ना करूं? बता, अगर प्यार नाम की चीज इस दुनिया में ना होती तो यह इंसान नहीं सिर्फ जानवर बसता, जानवर। तुम क्या समझोगे प्यार का मतलब क्या होता है? बोलते क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें तो जनता के सामने अपनी जय जयकार सुनना और उन्हें झूठा आश्वासन देना आता है। आश्वासन बात यहाँ दिल में बसता है प्यार, यहाँ जो तुम्हारे पास नहीं है बस। अरे तुम्हारे जैसे लोगों के पास दिल कहाँ से होगा? ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। प्यार कोई नाटक नहीं है, आश्वासन नहीं है, कोई बिकाऊ चीज नहीं है जो जब चाहे तब खरीद ली जाए। और जो प्यार के रंग में एक बार रंग जाता है उसे तुम क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और अगर मेरा प्यार तुम्हारी नजरों में गलत है तो वो गलत नहीं हो सकता। ना ना ना, ना मेरा प्यार गलत हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। मैंने आपकी बेटी का हाथ हजारों लोगों के सामने मांगा था। प्यार करना तुम्हारी नजरों में गुनाह है तो सही क्या है? घर घर जाकर लोगों को झूठे आश्वासन देना और उनसे वोटों की भीख मांगना। ए! तुम कितना प्यार अपनी बेटी से करते हो इतना ही ना कि उसे भूख लगे तो अच्छे से अच्छे होटलों में उसे खाना खिला सकते हो, उसे नींद लगे तो उसे एसी में सुला सकते हो, उसकी आंख से अगर आंसू गिरे तो अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछ सकते हो। मैं जानता हूं एक बाप अपनी बेटी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो। हाँ, लेकिन मेरी मां ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, समझे? हाँ, और जब मुझे नींद आती थी तो वो लोरी गाकर मुझे अपनी गोद में सुलाती थी, और जब मैं रोता था तो वो अपने आंचल से मेरे आंसू पोछा करती थी। तुमने मेरी उसी मां को मारा, अब देखता जा किस किस तरह से मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूं। देख, अब तुझे पता चलेगा कि तेरा किसी मरद से पाला पड़ा है। अनीता, तुम्हारी अपनी बेटी जो तुम्हें भगवान से भी ज्यादा मानती है और वो तुम्हारी पूजा भी करती है, और अगर तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया तो तुम अपने आप मर जाओगे। प्यार के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन प्यार की खातिर मैं अपनी मां को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। इस दुनिया में तुम्हारी बेटी के अलावा मैं किसी और की बेटी को अपनी पत्नी का दर्जा दे सकता हूं, लेकिन अपनी मां का दर्जा किसी और को नहीं दे सकता। मेरी मां ही मेरे लिए सब कुछ है, समझे? अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके जनता के सामने वोटों की तरह बांट दूंगा। अनीता, तेरी बेटी के सिवा तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है? तूने सिर्फ अपनी बेटी को ही प्यार किया? हाँ, हाँ, तू नहीं जानता कि दुनिया में बेटी के अलावा भी कोई और भी रिश्ता होता है, और वो है मां का रिश्ता। हाँ हाँ, देखो, जिस प्यार के खातिर प्यार करने वाले एक दूसरे पर कुर्बान होते हैं वो तू नहीं समझेगा। अरे, इन रिश्तों को आपस में सिर्फ एक प्यार की डोर ही बांधती है जिसे तू कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं, तू कभी भी नहीं समझेगा। देखो देखो, मैं तुम्हारी बेटी को प्यार करता हूं ये तू भी जानता है और सारी दुनिया भी जानती है, और अपनी मां को भी प्यार करता हूं मैं। अरे, जो प्यार मेरी मां के दिल को चकनाचूर कर दे वो प्यार किस काम का? सुन,
ठोकर मारता हूँ प्यार को। तेरी बेटी से ज्यादा मुझे मेरी माँ प्यारी है, समझे? जा रहा हूँ। तुम क्या समझोगे माँ के प्यार? गुरु, डैडी, क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? डैडी, खून मेरा, आपने उन्हें मारा डैडी? डैडी, डैडी वो छोटी सी बच्ची है ना, अस्पताल में है, उसे देखा भी नहीं जा रहा, उसे देख भी नहीं सकती मैं, बहुत बुरे हालत में। पता है उनकी माँ कितनी अच्छी है, वो भी अस्पताल में, जानते हैं डैडी, उसके दादा है ना वो देवता की तरह है, और वो छोटी बच्ची, उनकी माँ ने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? एक बार मुझसे कहकर देखते, मैं हमेशा के लिए उसे भूल जाती, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? उन्हें मारने के बजाय आपने मुझे क्यों नहीं मारा? वो मुझसे प्यार करते हैं। डैडी क्यों किया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप ऐसा कर सकते। नहीं, नहीं डैडी, इतने सब होने के बाद गुरु मुझसे शादी नहीं करेगा। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी? अभी हम तबीयत के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इस हालत में हमारी कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। इनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। भगवान पर भरोसा रखिए।